राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय को ससुराल से निकाल दिया गया है। ऐसा हम नहीं, खुद ऐश्वर्या राय ने कहा है। जी हाँ, पति तेज प्रताप यादव से तलाक का मुकदमा लड़ रही ऐश्वर्या राय ने पहली बार अपना मुंह खोला है। उन्होंने सास राबड़ी देवी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बताया कि आज भी उन्हें खाना नहीं दिया गया। राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा रविवार को हुआ। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय घर से बाहर निकली। वहां उनके पिता चंद्रिका राय व मां उपस्थित थे। इसके बाद ऐश्वर्या ने बताया कि उन्हें धक्का देकर घर से निकाल दिया गया है। ऐश्वर्या राय ने मीशा भारती के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें किचन में एंट्री नहीं दी जाती थी, उन्हें रात में खाना तक नहीं दिया गया था। आज भी जब उन्होंने किचन की चाबी मांगी तो ननद मीशा भारती ने सास राबड़ी देवी के सामने दुर्व्यवहार किया, फिर घर से निकाल दिया गया। उनसे एक वीडियो छीनने की भी कोशिश की गई, जो उन्होंने तलाक के मुकदमे में सबूत के लिए बना रखा है कि ऐश्वर्या राय लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी है। तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज किया। तलाक के मुकदमे के बावजूद ऐश्वर्या अपनी सास राबड़ी देवी के साथ उनके सरकारी आवास पर रह रही थी। इसके पहले भी 14 सितंबर की दोपहर ऐश्वर्या राय अचानक राबड़ी आवास से रोती हुई निकली थी। घर से निकलने के बाद वो अपने पिता की गाड़ी में बैठकर चली गई। इसका वीडियो वायरल होते ही सनसनी फैल गई थी। हालांकि देर शाम ऐश्वर्या फिर से राबड़ी आवास लौट गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।